आदाब नासरीन, खासिदहन टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। दक्षिणांचल महिला मंडल ने कैंडल रैली निकालकर डॉक्टर मौमिता देवनाथ को खराज अकीदत पेश किया। गोशा महल महिला मंडल दक्षिणांचल खवातीन और मर्दों की तरफ से हनुमान मंदिर से गोशा महल स्टेडियम तक मरकजी दक्षिणांचल महिला मंडल के सरबराह सपना गुप्ता की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। सपना गुप्ता ने कहा कि इन्होंने इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर इन्हें खराज अकीदत पेश किया और हुकूमत से मुतालिबा किया कि डॉक्टर मौमिता देवनाथ के कत्ल के केस के मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी मुजरिम इस तरह का जुर्म करने की जुर्रत ना करें। हमें अपने बच्चों को कराटे मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए ताकि लड़की बदला ले सके। मेहमान खसूसी राकेश जायसवाल कॉरपोरेटर मौजूद थे। हमारे मुल्क में रानी लक्ष्मीबाई, कर्मावती, दुर्गावती, जीजाबाई बहादुर खवातीन थी। हमें अपनी बहनों और बेटियों की खातिर मिलकर लड़ना है। मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा जुर्म करने की जुर्रत ना करे। ऐसे मुजरिमों को हुकूमत को फांसी देनी चाहिए। माथुर वैश्वा चैरिटेबल प्रेसिडेंट रोहित गोलास, स्मिता गोलास, रचना गुप्ता, दक्षिणांचल चीफ सपना गुप्ता, रिंकल गुप्ता, नीलम गुप्ता, पूनम इस मौके पर मौजूद थे। आइए नाजरीन देखें हमारे नुमाइंदे रहमत खान की ये रिपोर्ट। खासिदहन टीवी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंद करो, 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 एक एक मिनट, किस तरह की 9 अगस्त को कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज से उनकी डॉक्टर हमारे असिस्टेंट डॉक्टर यमुना जी पूरी तरह मैं सपना गुप्ता दक्षिणांचल अध्यक्ष माथुर भय समाज सभी महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ को यहाँ पे आई और ममता देशराज जी की दर्दनाक हत्या पर हमें सभी लेडियों को बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, सभी मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी बहनों से बोलते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, कराटे, योगा, मार्शल आर्ट उनको सिखाएं, वीरों की, दुर्गाबाई की, वीरांगना की, कर्मावती की, लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाएं जिससे कि हमारी महिलाएं सशक्त रहें।
मौके पे जाके खुद लड़ सके और सभी की हम उनको श्रद्धांजलि देकर देते हैं। ममता देशनाथ जी को श्रद्धांजलि मातृभ समाज की तरफ से देते हैं। मेरा आप एक बात समझिए कि जो बच्चे हैं, बहुत सी बच्चियां हैं जो बाहर रहती हैं, बहुत सी बच्चियां हैं जो जॉब करती हैं, हर वक्त उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते। एक बार हमको ये ध्यान देना चाहिए क्या बीत रही होगी उसके पेरेंट्स पे। वो अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती थी, और कुछ ऐसे लोग जिनको मतलब उनके अंदर हवस का इतना कीड़ा था, उन्होंने उसका सफेद कोट भी नहीं देखा, उन्होंने उसके गले में पड़ा हुआ कुछ भी नहीं देखा कि मतलब ये बच्ची डॉक्टर है कि हमको उसके साथ कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई लड़कियां हैं जो अपने पेट को पालने के लिए, घर बार संभालने के लिए बाहर निकलती हैं, वो जॉब करती हैं। अब इस तरीके से अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो हर माँ बाप को बच्चों को बाहर भेजने से, बच्चों को पढ़ने से, आजकल हमको इतना डर हो गया है ना हमारी बच्चियों के लिए कि कहाँ कौन सा इंसान भेड़िए के रूप में हमारी बेटी के साथ कुकर्म कर देगा। तो मेरा तो अब महिलाओं से अनुरोध है कि बंदूक के लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि बच्चियां घर में तो सुरक्षित है, लेकिन हमको नहीं पता कि कौन सा राक्षस, कौन सा भेड़िया उनको गलत निगाह से देख रहा है और जिसका वो शिकार बन जाएंगी। तो बंदूक का आवेदन मेरा जिन भी लोग दे सकते हैं वो दे दीजिए, क्योंकि हमको खुद ही सेल्फ डिफेंस अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद। पीआई से और पुलिस से बस इतना ही अनुरोध है कि इतना दुष्कर्मियों को टाइम ही नहीं देना चाहिए, उनका सीधा एनकाउंटर ही कर देना चाहिए। जो हैदराबाद में हुआ है वो बहुत ही जाए, और यहाँ तक कि उनको तड़प तड़प के मारा जाए, उनको तड़प तड़प आके सीधा फांसी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उनको तड़फा तड़फा के उनको फांसी की सजा दिया है। ये हमारी बंगाल की सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है ममता बनर्जी और जो भी है, जो भी आगे बढ़े और जो पांचों छह 30 लोग शामिल है, उन 30 लोगों को भी पूरी इंक्वायरी की जाए और इससे महिलाएं अपनी सशक्त रहे। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सभी महिलाओं से, बेटियों के साथ बेटों को भी सिखाए कि कैसे रिस्पेक्ट करनी है लड़कियों की, कैसे उनके साथ बिहेव करना है और किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करनी है उनको। बेटियां तो अपनी सुरक्षा करेंगी, बट लड़कों को भी समझना है कि किस तरीके से बिहेव करना है और किस तरीके से उनके साथ रहना है। बस यही निवेदन।